विधानसभाओं के रिजल्ट्स इस समय आ रहे हैं। कुछ सीटों के रिजल्ट कंप्लीट हो गए हैं, कुछ के अभी ट्रेंड्स प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी 3 प्रदेशों में क्लियर कट मेजोरिटी की तरफ आगे बढ़ गई है और तेलंगाना में भी जहां हमारी 1 सीट है वहां 8-9 सीटों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि डबल डिजिट वहां भी होने की संभावना है। तो इस प्रकार से 3 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश इस समय 230 में से 160 सीटों पर लीड है और निश्चित रूप से ये लगभग 70% का आंकड़ा छूने जा रही है। ऐसे ही राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसमें 114 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड कर रही है जो लगभग 57% है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं जिसमें 60% पूरा 60% ही बनता है उस पर इस समय लीड मिल रही है। और जैसा मैंने बताया कि तेलंगाना में मात्र हमारी 1 सीट थी जिसमें हम 10 गुना एक प्रकार से अपनी सीटों को कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा जंप हमको वहां भी मिला है। मैं आपके माध्यम से इन 4 प्रदेशों की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो रूट लेवल पर जिन्होंने काम करके इन सब प्रदेशों में सरकार लाने का जो काम किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि जो कांग्रेस के लोग भी कहा करते रहे हैं लगातार, उनकी एक बात को मैं बड़ा करता हूं कि इन चुनाव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में आएगा। मैं उनकी इस बात को भी बड़ा करता हूं। निश्चित रूप से चाहे लोकसभा के चुनाव हो और चाहे हरियाणा के चुनाव हो, 2024 के इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से आएगा। इन चुनाव के पीछे कई कारण गिनाए जा सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से केंद्र सरकार की योजनाएं और जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जहां हमारी सरकारें हैं, जहां सरकारें नहीं हैं वहां भी जो एक विजन दिया है प्रदेश की टीम ने अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, उन सब के ऊपर जनता का एक भरोसा ये बड़ा है। क्योंकि केवल नारे लगाने से ये कभी भी जनता के गले नहीं उतरता बल्कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज रूट लेवल पर कैसे होता है उससे जनता के ऊपर एक असर जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पन्ना प्रमुख स्तर तक जाकर अपने कार्यक्रम किए हैं, अपनी जनता को अपने कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क बनाया है, उसका भी एक बड़ा प्रभाव इन परिणामों में देखने को मिला है। और ये सब बातें हरियाणा में भी हम लगातार कर रहे हैं अंत्योदय की भावना से। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार उस तक हमारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे इसके लिए नीतियां भी बनाई हैं, सब काम हो रहे हैं, डिलीवरी वहां तक पहुंच रही है और केवल पहुंच रही है हमारे कहने से नहीं बल्कि हम गांव गांव में जा करके उसकी जानकारी भी ले रहे हैं, चाहे वो जनसंवाद के कार्यक्रम हो और चाहे अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद का जो मिला जुला कार्यक्रम शुरू हुआ है 30 तारीख से उसके माध्यम से। वहां अगर कोई छोटी बड़ी कमी भी पाई जाती है हाथों हाथ हम ठीक करते हैं, उसको डिलीवरी वहीं पर दी जाती है। कोई बड़े काम की डिमांड होती है तो हम अपने साथ लेकर जाते हैं, डिपार्टमेंट में योजना बना करके उसका रिव्यू लेते हैं कि वो काम शुरू हो गए और कैसे कैसे कब तक पूरे होंगे। तो जनता इस समय एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति पर, सिद्धांत पर, उपलब्धियों पर भरोसा करके आगे बढ़ रही है और जो कांग्रेस के जितने नारे हैं उन सबको उन्होंने नकार दिया है, जाति पाति की राजनीति को दूर फेंक दिया है, नारों की राजनीति को दूर फेंक दिया है, उपलब्धियां और नीतियां भारतीय जनता पार्टी फिर विजयी हुई है। राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत, अब गठबंधन को लेकर भी क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में एक बार फिर से सोच सकती है?
देखिए नीतिगत विषय जो होते हैं वो समय पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से किए जाते हैं। आखिर हमारा गठबंधन कोई चुनाव से पहले तो नहीं था, आवश्यकता पड़ी थी तो हमने चुनावों के बाद गठबंधन किया था। आवश्यकताएं कैसी होंगी ये नीतिगत निर्णय जब होंगे तब आपको पता लगेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।